पहला सवाल है, माइक्रो आरएनए खोज के लिए किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूपकुन को। अगला सवाल है, 2024 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है जॉन जी हॉपफील्ड तथा जेफरी ई हिंटन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो यह चुना है जेपी नड्डा को। नई दिल्ली में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए थे? तो यह दिए जाएंगे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ सेट्ठी तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है अट्टम है। आगामी महाकुंभ मेले 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है योगी आदित्यनाथ ने। हाल ही में दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्ट। भारत और किस देश ने 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय सौदे सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और मालदीव ने। कैस सैयद 5 साल के कार्यकाल के लिए किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं ट्यूनीशिया के। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं शिगेरु इशिबा। अक्टूबर 2024 में जेनिक सिनर को हरा कर पहला चाइना ओपन खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्काराज ने। नेपाल ने भारत के माध्यम से किस देश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है बांग्लादेश को।